सीबीआई ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में केस दर्ज किया है, जिसमें 830 फर्जी संस्थानों के इस योजना का लाभ लेने का आरोप है। इस घोटाले से साल 2017-22 के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 144 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के खुलासे के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब छात्रवृत्ति लेने वाले सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक मैपिंग कराई जा रही है, उनके फिंगरप्रिंट्स और बाकी डिटेल्स के साथ फोटो भी खींची जा रही है। देश में जब से नेशनल स्कॉलरशिप घोटाले मामले का खुलासा हुआ है, उसके बाद से सरकार काफी सख्त हो गई है। सरकार ने अभी नया आदेश दिया है कि जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जिनको कि नेशनल स्कॉलरशिप चाहिए है, उन सबकी बायोमेट्रिक मैपिंग होगी और इसकी पूरी शुरुआत कानपुर में हो चुकी है। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच में सामने आया था कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा घोटाला किया जा रहा है। ये घोटाला 2007-08 से लेकर 2021-22 के सत्र में किया गया। इसके तहत फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए गए और फर्जी केवाईसी के आधार पर पैसों की लूट की गई। इस तरह का घोटाला और फर्जीवाड़ा आगे ना हो सके, इसके लिए सरकार ने सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक मैपिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों में जितने भी स्टूडेंट्स ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, उनकी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कराई जा रही है। इसके तहत कई टीमें लगाई गई हैं जो शिक्षण संस्थानों में जाकर स्टूडेंट्स के फिंगरप्रिंट ले रही हैं और साथ ही आधार कार्ड वेरिफिकेशन के साथ फोटो खींच रही हैं। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा गत वर्ष 2022-23 में जो आवेदन जिले स्तर से अग्रसारित किए गए थे, उनका समस्त आवेदन का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके क्रम में सर्वप्रथम स्टेट नोडल ऑफिसर, तत्पश्चात डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, उसके बाद हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति, इनका बायोथेंटिकेशन कराया गया। जनपद में कुल 103 संस्थान हैं जिनमें 6188 बच्चों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का कार्य कराया जाना है। उक्त कार्य 31 अगस्त तक कंप्लीट कराया जाना है, जिसके क्रम में 3895 बच्चों का बायोथेंटिकेशन का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है, शेष समय अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी की जानी है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि छात्रवृत्ति के माध्यम से पैसे की लूट पर रोक लगेगी, वहीं सुरक्षा को लेकर भी लगाम कसी जाएगी, क्योंकि घोटाले में ये भी सामने आया था कि फर्जी लोगों से फॉर्म भरवा कर छात्रवृत्ति के पैसे की लूट की गई थी। ये पूरी बायोमेट्रिक मैपिंग का काम में 31 तारीख तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पाएगी जो कि इस मैपिंग के अंडर में आते हैं। इस तरह से जो भी नेशनल लेवल पे घोटाला होता है, जो नेशनल स्कॉलरशिप है उसका जो भी घोटाला है, उस पे रोक लगाने में सरकार को पूरी मदद मिलेगी। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।